दिख रहा था वहाँ तक। तो अभी यहाँ से 13 किलोमीटर और दिखा रहा है, तो चल रो वहाँ पे चल के देखते कि आगे का क्या पूरा सिनेरियो है। और अभी यहाँ से घाट रास्ता कब से स्टार्ट हो रहा है, अभी पीछे तो पूरा बारिश का मौसम बन रहा है, अभी देखते हैं कि आगे तक आगे क्या रहता है। चलो अभी यहाँ से कंटिन्यू वीडियो लेते हैं। कशी दिली आंब्याची फोड कशी? 20 रुपये 20 रुपयाला देणे मिटलं। इकडेच राहिलात का तुम्ही? हा हे बघ हे रोड आहे तर मानगाव खाली नाही तर ते दाख नाही। अच्छा वरती आश्रमशाळा आहे। अक्रमशाळा कमी पाहिजे का जास्त? नमक हा नमक बस का जास्त देऊ? बस तेवढंच लागलं तर घेते। कितीला? 20 रुपयाला आहे ना। दाल आहे काय? हा दाल आहे देऊ। थांब जर मी आली त्याला खाते नंतर लगेच। ये बहुत गुस्से में मारना मत भाई। मंकी कहाँ पे? यहाँ पे वर्ती माथेरा वर्ती है। तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको कोई मंकी नहीं मिलेगा। गायो किधर घुसी है? किधर है? वो देखो किधर गई वो। चलो वहाँ पे रुक के, मेरे को उधर जाना भी है। उधर रुक के क्या? वो स्टेशन है ना। अच्छा अच्छा रुक जाओ। कभी भी लोकल में ट्रैवल करो ना तो लोकल फूड खाओ यार, मज़ा आता है। मूंगफली। ट्रेन चालू है? ना बंद है, वर्की चालू है माथेरा। कहाँ से? अमन लॉज से। हाँ थैंक यू। तो गाइस यहाँ से आपको मिल जाएगा ट्रेन बंद, अगर आप सेम चीज माथेरान से करोगे यानी अमन लॉज से, वहाँ से मिल जाएगा। तो अब नेरल से जो लोग भी सोच रहे कि नेरल से इस समय ट्रैवल करके जाएंगे ट्रेन से वाया, उन लोग के लिए थोड़ा मुश्किल बनने वाली है। अब देखोगे वहाँ से लेके यहाँ तक लाइक कुछ 100 मीटर्स में, फिर यहाँ से जाने का भी, ये ट्रेन का जो रास्ता पूरा है तो दिखा नहीं सकते। अब ऊपर देख लोगे वो साइड में
तो वहाँ का व्यू भी कुछ देखने लायक है। तो नोस यार बस बने रहो थोड़ी देर तक और। तो जिन लोगों को भी अभी पता नहीं है यार, फिर से एक बार अभी जो रिसेंट में स्किप करके आ रहेंगे, तो यहाँ से ट्रेन अभी नेरल से नहीं चालू है, आपको जो अमन लॉज से ही मिलेगी। क्योंकि अब अगर पटरी की भी हालत देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन से अभी बंद है यहाँ से, ठीक है। अभी बस पटरी की हालत देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीन क्या है। तो कोई झरना भी पड़ेगा यार अपने को यहाँ पे, एक फोटो भी ले लेते हैं। क्या झरना यार, वहाँ से आने में कितनी थक जाएगी देखो, वहाँ से पूरा है। और ट्रेन वो नीचे के साइड से होते ही निकलती है, इसलिए मुझे लग रहा है ऐसा गोप्रो मेरे को धोखा दे देगा। ऐसा ना हो यार, क्योंकि एक ही बैटरी है मेरे पास, अभी चार्ज भी नहीं होगी तो मैं इससे कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। चेकआउट टाइमिंग 8 AM, सुबह 8 बजे तक चेकआउट भी करना पड़ता है। टू व्हीलर का 15+30 यानी 45 होगा, फोर व्हीलर का 60 और से बड़े वो व्हीलर का 160। और ट्रेन का अगर लेना रहेगा तो आगे मिलेगा। तो हॉर्स राइडिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है हिल स्टेशनों में से आता है, जहाँ पे आपको जो है कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। यहाँ पे गाड़ियाँ आपको जो वहाँ पे पार्किंग होगी उसके आगे आपको कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेड एम्बुलेंस इन एमरजेंसी केसेस। तो यहाँ पे आप लोग को ये लोग जो अप्रोच करेंगे कि घोड़े से जाना है, बट डिसीजन आपका रहेगा, बट फिर भी जस्ट फॉर द गाइडेंस की यहाँ पे अगर आप घोड़ा करना चाहोगे तो एक शॉर्ट डिस्टेंस, नहीं भर सेंगे, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अराउंड कुछ 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है यहाँ से जो है, उसके लिए आपको अराउंड 400-500 ले लेंगे। और इसमें कोई सेफ्टी भी नहीं है, अगर आपको नहीं यहाँ पसंद है तो नहीं करना। और ट्रेन की बात करूँ जो फिर ट्रेन तो बंद है, क्योंकि 3:35 की है, तो जाते समय तो ट्रेन का कुछ सीन नहीं बन पाएगा, अब आते समय ट्रेन का सीन बनना चाहिए, क्योंकि ट्रेन तो चाहिए देखना ही है। वेलकम टू माथेरान सिया यानी सेंट्रल रेलवे, फिलहाल मुझे तो इसका यही मतलब समझ रहा है, अब आप लोग को क्या समझ रहा है वो देख। यहाँ से जो लास्ट ट्रेन यहाँ से जाती है जो 3:35 की जाती है, और वही ट्रेन वहाँ से लास्ट बन के आती है। तो अब अर्ली मॉर्निंग नहीं आओगे तो आपको यहाँ से ट्रेन का जो वे बहुत कम मिलेगा। और प्लीज़ ये जो मास्क वाला रूल है ये फॉलो करो, अदरवाइज आपको क्या है 500 रुपये जो है फाइन लगेगा। नहीं 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 सर, थैंक यू। नहीं,
टॉय ट्रेन जंक्शन, यह है अमन लॉज। तो इसके टिकट्स कहाँ से मिलेंगे? यहाँ पे ना अगर आप आओगे तो अमन लॉज तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो उधर क्या चल रहा है, उधर उधर देखो, उधर उधर देखो वहाँ क्या चल रहा है। अरे इधर देखना, बच के रहना भाई। वो देखो बच्चे बिस्किट देते हैं लोग को। ये है अमन लॉज का स्टॉप। फिलहाल यहाँ पे अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए आते हो, अगर आप घोड़े का हो रिलैक्स है लोग, ये लोग चिंते भी है कुछ खाने की, चिंते भाई कुछ नहीं चिंते ना, अटैक वटैक किसी पे नहीं। वो देखो उधर के उसको पूछ पकड़ के टंग रहे हैं। उसका पूछ पकड़ के टंग रहा है। छोटे छोटे उसको पूछ पकड़े। हाय स्लाइडिंग गेम। उसकी माँ है, दोनों गए उधर बैठ गए। उधर छुप रहे वो देखो अपने को। हाय चलो उधर छुप रहे हो, उधर उधर मजा ज़्यादा नहीं देख रहे कैसे। वो वहाँ पे दो लोग रिलैक्स है, एक सोया है। अरे यार क्या, तो ट्रेन अगर मिस हो जाती है नो इशूज़ गाइस, यहाँ से कोई ज़्यादा नहीं है, 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास है। तो अब लोग हम लोग अब यहाँ से वो उतना ट्रैवल जो है पैदल चलने वाले हैं, तो तब तक के लिए तो पॉइंट्स पे सारे पहुंच जाएंगे तो देख लेंगे मिलते हैं और क्या सीन है फिलहाल। तो यहाँ तो अगर स्टे की बात करूँ तो आपको सामने हुबली कॉटेज दिख जाएगा, वहाँ पे आप लोग स्टेशन के नियर बना हिंजू हाउस रूम में स्टेशन के हैं, जहाँ पे आप लोग खा सकते हो पी सकते हो। बट ये कब होगा स्टेशन के माथेरान स्टेशन पे, ऐसा माथेरान स्टेशन से पहले ऐसा एक भी नहीं है, ठीक है। तो माथेरान स्टेशन पे अगर आप रुकना चाहते हो तो माथेरान स्टेशन पे ही रुक लो। और रिजनेबल्स रूम में जो जितना कि मैंने पता किया था यहाँ पे कि ऑलमोस्ट जो है अराउंड 500-600 पर नाइट में मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। खाने की भी फैसिलिटी है। और ये लास्ट स्टॉप है माथेरान का जो यहाँ का है, आप यहाँ पे देख लो तो क्लीनम मार्सल और यहाँ पे घोड़े भी मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग ने वहाँ से पैदल ट्रैवल किया और वहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोगों को कुछ अराउंड लगा हाफ एन आवर, क्योंकि क्वाइट हम लोग थोड़ा रुक रुक के आ रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। लव माथेरान हैगा कोलम है और ये रंगोली रिट्रीट। अगर तो आपको हाई क्लास चाहिए तो आप इसमें जो है रंगोली रिट्रीट में ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाए, यहाँ पे कुछ भी हर जगह मंकी आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा है इसमें। ये 3:30 की लास्ट है, उधर भी लेना है। आओ ये ट्रेन से 404 NDHP नरेल है। तो इसमें दो है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों टिकट्स अवेलेबल अभी फिलहाल के लिए। एक कंपार्टमेंट, दो, तीन, चार एंड पांच कंपार्टमेंट है जो यहाँ से 3:30 को निकलेगी। अभी 1:43 हो रहा है तो ऑलमोस्ट 2 आवर है, 2 आवर के बाद यहाँ से जाएगी माथेरान। ये तो हर स्टेशन पे आपको देखने मिल जाते हैं दोनों तरह से डब्बे। ये फर्स्ट क्लास है, एसी कोच है, फर्स्ट क्लास है, देखने मिल रहा है इसमें आपको दिख रहा है कंपार्टमेंट में। दोनों के टिकट प्राइस आपको बताते हैं यहाँ पे नेरल माथ रेलवे मेन्स हॉलीडे, यहाँ पे जो रेलवे वाले हैं वो लोग भी अपना आके हॉलीडे सेलिब्रेट कर सकते हैं रेलवे के थ्रू, अच्छी चीज़ है बनाया हुआ। टिकट काउंटर से चलो टिकट ले लेते हैं और देखते हैं कि टिकट का क्या सीन है, कितने बजे की ट्रेन यहाँ से निकलेगी, टिकट कहीं फुल ना हो जाए तो टिकट लेना ज़रूरी है। ट्रेन की टाइमिंग है फिलहाल
फिलहाल गाड़ी छूटने पड़ता है, पहले टिकट खिड़की खुलेगी। एक व्यक्ति को मैक्सिमम 4 टिकट दिए गाड़ी छूट। ये भी टाइमिंग है अप डाउन, 45 मिनट पहले टिकट चालू होने। चलो अभी चाइल्ड 180 सेकेंड 45 और 300 बाल, तो सेकेंड क्लास का ही 45। हाँ, तो यहाँ से भी एक ही ट्रेन है जो 3:30 की और 4 बजे की, दो ही ट्रेन जाएगी। तो टाइमिंग बहुत लिमिटेड है, यहाँ से टाइम मैनेज करके आना, अदरवाइज़ आपको पैदल आना जाना पड़ सकता है, तो फिर हो सकता है कि आपको फिर घोड़ा ही करके जाना पड़े। तो टिकट खुलने से मिलने से पहले 45 मिनट पहले आपको टिकट मिलते हैं, उससे पहले टिकट नहीं मिलता तो हम लोग को आना पड़ेगा। हे गाइस, यार आपको माथेरान का जो है मैप पर मिल जाएगा देखने को, अगर आप देखने और देखोगे तो आपको कितने सारे पॉइंट्स हैं। और जो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग विजिट कर रहे हैं जो ये रेलवे ट्रैक है, अगर आप ट्रैक देख पा रहे हो वहाँ तक, तो ये मायरा पॉइंट है। यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर भी नहीं बोल सकते, 2 मिनट डिस्टेंस है। तो चलो देख लेते हैं वहाँ पे कि मायरा पॉइंट से हमें क्या विजिबल है और क्या दिखता है। तो गाइस यार ये है मायरा पॉइंट, आप यहाँ से देख लो व्यू, ये व्यू आपको दूसरी जगह से नहीं देखने मिलेगा आई थिंक। सो यहाँ से देखो व्यू, वाह, नीचे देख लो पूरा। हाँ, अभी देखा जाए तो नॉर्मली इतना क्राउड नहीं है यहाँ पे, बहुत लिमिटेड लोग ही देखने मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो आगे तक है, अब ये लास्ट स्टेशन कहाँ तक है वहीं जाके देखना है। ये भी अपने आप में एक व्यू है यार, ये सारे पॉइंट्स ही आप घूम घुमा के ना आपको उस वे से दिखाएंगे, इस वे से दिखाएंगे, और ये सारे पॉइंट्स की सैर करा के आपको अराउंड 600 आपसे ले लेंगे घोड़े वाले। बी केयरफुल, आपके अगर कैपेसिटी है कि आप वो दे सकते हो थोड़े से पॉइंट्स के लिए, तो नो इश्यूज, इंजॉय करो, मज़ा आएगा। नॉर्मली वहाँ पर आना बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं रहता, तो दिखाते आगे।
टिकट्स की डेट और जर्नी यहाँ पहले से निकाल के रखते हैं, मुझे लग रहा है 45 सेकेंड क्लास से है और मेरी सीट नंबर है D2 में, यानी उस डिब्बे में 7 और 8, और ये जो डेली के हैं सिर्फ सैटरडे संडे 5:10 की चलती है, उससे पहले आ नहीं सकता। डेली क्लास से ही अभी थोड़ा चलते हैं, घूम के आते हैं और बैठेंगे और दूसरे की क्लास से अभी फिलहाल बजट की बारिश हो रही है मेरे में। वहाँ से बनाना दूसरी का सफल होता है ऐसा मज़ा आ गया। तो यहाँ पे ना आपको TC भी देखने मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच लोगे कि बिना टिकट के हम लोग चल देंगे और वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। आपको देखो वहाँ पे TC टिकट चेक कर रहे हैं ना, अब सामने देख रहे हो TC टिकट, तो वहाँ पे चप्पा जाता हुआ टाइमिंग था कितना 3:30, अभी हो गया 3:47, ये ऑलमोस्ट 18 मिनट लेट है अभी और इसको टाइम लगेगा क्योंकि वो डब्बा ख़राब हो गया है वो इंजन, अभी यहाँ पे देखो दूसरा इंजन, वो दूसरा इंजन लेके आया है। फिर से नया डब्बा जोड़ते हुए, तो नसीब जो है वो है कि लाइक कितनी भी अच्छी हो जाए पीछा नहीं छोड़ रहे यार। बांसी जी का जरिए जो हो गया वहाँ से रहना है, यहाँ पे ट्रेन की एक इंजन में ही प्रॉब्लम होगा, अभी दूसरा इंजन जोड़ रहे हैं। प्रेशर देना रहता है ऐसे इंजन को, तो ये कि चलो 3:52 3:30 की ट्रेन, 3:52 ऑलमोस्ट 22 मिनट लेट हो चुका ऑलरेडी, और अब कितना और लेट हुआ है, चलो 3:53 हो गया। Crowd, man, huge crowd. Huge crowd. Thank you.